दोस्तों, कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहंदी का जाहिर होना और यहूदियों के मशिया दज्जाल का कत्ल होना। और इमाम मेहंदी के साथ इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे, जो इस दज्जाल को कत्ल करेंगे। दोस्तों, इमाम मेहंदी के बारे में सुन्नी और शिया दोनों ही अलग अकायद रखते हैं, लेकिन दोनों का ये मानना है कि इमाम मेहंदी हजरत अली और हजरत बीवी फातिमा की नस्ल से होंगे। दोस्तों, ये बताया जाता है कि इमाम मेहंदी अरब के शहर मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे, जिनका शुरुआती नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा। और दोस्तों, ये भी बताया जाता है कि मदीने में पैदा होने के बाद हजरत इमाम मेहंदी बैतुल मुकद्दस की तरफ तशरीफ फरमाएंगे। जब इमाम मेहंदी खुद को जाहिर करेंगे इस दुनिया के सामने, तब उनकी उम्र 40 साल की होगी। और आप लोग भी जरूर दुआ फरमाएं कि हमें जंग में अल्लाह इमाम मेहंदी के साथ शहादत नसीब अता फरमाए।